जानने नहीं करते थे, देखते तो थे मगर अच्छा नहीं था जी मॉल है क्या है नहीं है। तो दोस्तों हमारे पापा एकदम बढ़िया से रेडी हो गए। आप लोग कहते हैं कि पापा शर्ट पैंट नहीं पहनते हैं, तो पापा के लिए शर्ट पैंट भी लाएंगे, इस पर पेमेंट आएगा। तो देखिए अभी शर्ट पैंट पहने हुए हैं क्योंकि यूपी में पापा को पैंट दिलवाए थे और शर्ट दिलवाए थे, उसी को पहनते हैं। कहते पापा नया कपड़ा ला देते, बोलते अभी नहीं, जब तुम्हारा पेमेंट आएगा बढ़िया से घर बार चलेगा तब ला देना। तो गाइस ये होता है पापा। तो गाइस अभी चल रहे हम और पापा बैंक पे जाएंगे, अभी खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि पापा का जो है 3 से 4 साल पहले खाता खुलवाए थे स्टेट बैंक में, वो जो है लॉक हो गया। क्या पापा? एक दिन 3-5 साल से नहीं गए वहाँ। बताइए 4,000 रुपया जांच कराने गए, आधार कार्ड में तो बताया 1 रुपया जमा। देखिए पापा मतलब आधार कार्ड से जांच करवाने गए ग्रामीण बैंक में, तो वहाँ बताया कि आपके खाता में सिर्फ 1 रुपया, 4,000 रुपया गया कहाँ बताइए, यानी 3,999 रुपया कहाँ गया बताइए। तो अभी चल रहे हैं हम लोग वहाँ पे खाता को चेकअप करवाएंगे, आप लोग को बढ़िया से ब्लॉग भी दिखाएंगे वहाँ का, तो पूरा नज़ारा जो है बढ़िया सा ब्लॉग होने वाला है, तो लास्ट तक ब्लॉग को देखिए। क्या पापा? तो चलिए अभी खाना खा लेते। देखिए आपकी रागनी बहन जो खाना निकाली एकदम प्यार से, हम और पापा एकदम रेडी हो गए। गाइस दाल का देखिए सब्जी बना हुआ है क्योंकि आलू खत्म हो गया था घर में। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं महती नगर में जो मेन मार्केट पड़ जाता है, मेन मार्केट तो इधर पड़ता है, जब वापस जाएंगे तो आप लोग को दिखा देंगे। और अभी आज के बढ़िया से सेफ्टी से मास्क वास्क लगा लिए हैं। चलिए अभी चलते हैं बैंक और पता करते हैं कि पापा का खाता में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि खाता जो है लॉक बता रहा है, क्या प्रोसेस होता है, पापा का पैसा निकलता है कि नहीं। मेन ब्रांच पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है देखिए चारों तरफ, तो लगना पड़ेगा लाइन में। तो गाइस पापा का खाता जो है चालू है, 4-5 साल से जो है खाता में पैसा निकासी नहीं कर रहे थे और डाल भी नहीं रहे थे, इसलिए जो है खाता जो है चालू है, इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था बैंक के अंदर, तो हमें जो है ग्रामीण बैंक में जाना होगा क्योंकि ग्रामीण बैंक में जो कम भीड़ होता है, इसलिए जो वहाँ से पैसा निकाल लेते। पापा बोले 2-3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए जो हम ही लाइन में खड़े हो गए। देखिए लाइन कितना लंबी दूर तक बताइए, वह बैठे हैं वहाँ पर, तो पैसा निकालेंगे देखते निकलता है कि नहीं। ये हुआ कि ग्रामीण में गए तो ग्रामीण में जो मना कर दे, बोले कि जो मेन स्टेट बैंक का होता है मेन ब्रांच का, उसका पैसा नहीं निकलता है ग्रामीण बैंक में। फिर उसके बाद जो है बैंक में आने के बाद जो है जमा कर दे पैसा जो निकालते हैं, वहाँ पे गए, वहाँ भी बोले कि आपको KYC करवाना होगा। KYC करवाने गए तो आप बोले कि आपको पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों चीज़ लगेगा, इसलिए जो हम लोग को अब कल आना पड़ेगा क्योंकि अब काम नहीं हो पाया। क्या हुआ? तो अभी चलते हैं घर और इधर जो अभी नाश्ता वगैरह कर लेते थोड़ा, क्योंकि भूख भी लगा हुआ है और टाइमिंग हो रहा है 2 बज रहा है, और जैसे कि डेली ब्लॉग 3:29 पे आता है तो ब्लॉग भी अपलोड होने वाला है, तो हम लोग कहीं बैठते हैं फिर बढ़िया से ब्लॉग को अपलोड करते हैं। एक रेस्टोरेंट यहाँ पे, चलिए बैठते हैं। 2 प्लेट समोसा भेज दीजिए भैया, आइए फोटो बैठ के आप यहाँ बैठ जाइए। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ा हमें और पापा को, सवेरे निकले थे कि काम हो जाएगा तो बढ़िया से हम लोग निकल जाएंगे घर, लेकिन काम नहीं हो पाया। चलिए कल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मौसा है गर्मा गर्म छोला खाइए पापा। चलिए हमारे पापा जो है फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में आए हैं, पापा और हम ऐसे मम्मी पापा आ गए थे। क्या पापा? खाने के लिए तो फिर समोसा जो है खाए हैं, क्योंकि सर्दी पापा को भी हो गया हमें भी हो गया। तो गाइस आप लोग भी ये खा लीजिए, ठीक है, इनवाइट करेंगे आप लोगों को खाने के लिए। वहाँ पे समोसा रखा हुआ है, कैसा लगा पापा समोसा? भाई अभी चलेंगे पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल बैंक की बैंक के काम से आए हुए थे आप लोग पता है महती नगर मार्केट में। और गाइस आप लोग कहते रहते हो कि अपना गांव का जो मॉल दिखाओ सिटी है, तो महती नगर में जो आए हुए हैं जैसा कि अभी आप लोग देखे थे कि पेट्रोल पंप पे जाने वाले थे, तो ये रहा मॉल। सर्दी की वजह से बोल भी नहीं पाते हैं, तो आज पहली बार पापा को मॉल भी घुमा देते हैं और आप लोग को भी घुमाएंगे हमारे गांव का मॉल कैसा है। चलिए पापा देखिए ऐसा मॉल है यहाँ का कुछ। तो गाइस भैया लोग पूछ रहे थे कि किस चीज़ का वीडियोस बना रहे हो, तो हम बोले व्लॉगिंग करते हैं। गाइस फाइनली आप लोग को जो है यहाँ पे दिखा देते कौन कौन सा कपड़ा बिकता है, और पापा भी जो है पहली बार आए हैं मॉल में। क्या पापा? इससे पहले आए थे कि नहीं? जानने नहीं करते थे, देखते तो थे मगर अच्छा नहीं था जी मॉल है क्या है नहीं है, कपड़ा बिकता है कपड़ा दुकान में हम जाते थे। उस टाइम कपड़ा दुकान में जाते थे पापा। तो गाइज आप लोग को दिखाने वाले यहाँ पे क्या क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे लेडीज़ वगैरह के लिए सब कुछ सामान है यहाँ पे देखिए, और सारा कुर्ता वुर्ता टंगा हुआ है देख लीजिए यहाँ पे। और देखिए बर्थडे वर्थडे में बच्चे को गिफ्ट विफ्ट देना है तो यहाँ से ले जा सकते हैं आप लोग। सारा मूर्ति भी यहाँ पे रखा हुआ है एक साथ देखिए, एकदम
एसी चल रहा है यहाँ पे, मॉल में घूमने का ना मजा ही कुछ और है। यानी हमारा जो महदी नगर है समस्तीपुर जिला के अंदर यानी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, किसी सिटी से कम नहीं। यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा, यानी आपको यहाँ पे जैसे सिनेमा हॉल हो गया, हर चीज़, मतलब कहते हैं ना गाँव में हर चीज़ सुविधा जो सिटी में होता है वो गाँव में भी। यह एक गाँव ही है पर छोटा सा सिटी महदी नगर। देखिए यहाँ पे भी कपड़ा वगैरह रखा हुआ, बैग रखा हुआ है देखिए, और सारा कपड़ा टंगा हुआ। यहाँ पे जीन्स देख लीजिए, और मैं सोच रहा हूँ कि पापा के लिए यहीं से कपड़े ले जाऊँ, सब ब्लॉग भी बनाएंगे। देखिए सारा एकदम लूजर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, और मॉल में घूमने का ना गाइस एक अलग ही मज़ा आता है। देखिए सारा कुछ रखा हुआ है, देखिए जीन्स 699 का, हाँ बढ़िया रेट है, मॉल में ऐसे सस्ता पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शर्ट रखा हुआ है जीन्स वाला, सारा कुछ रखा हुआ है। तो गाइस अब क्या करते हैं, अभी आप लोगों को बढ़िया से जो दिखा दिए हैं, क्योंकि ऊपर का भी अपार्टमेंट है बट हम लोगों के पास टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ से निकलना है हमें। ठीक है तो अभी निकलेंगे, अभी पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप से फिर उसके बाद वो घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सवेरे हम लोग 10 बजे ही निकले थे बैंक पे, बैंक का तो काम हुआ नहीं। चलिए आप लोगों को मॉल घुमा दिए। तो गाइस आप लोगों को मॉल घुमा दिए हैं, और भैया सब बहुत सारी बातें पूछते हैं कि क्या कैसे क्या है, किस तरह से यूट्यूब से पैसा आता है। बताइए हम टेक्निकल वाले हैं क्या, हम एक नॉर्मल सा ब्लॉगर हैं। तो चलिए अभी चलते पेट्रोल पंप पे। माइलेज के लेना है, टंकी साफ रखता है गाड़ी का, माइलेज कितना का है वो 15 डाल दीजिए। चलिए पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा महदी नगर का मेन मार्केट बाजार जो पड़ता है, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए चारों तरफ सभी जगह मार्केट ही मार्केट है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता है क्योंकि रोड जो है छोटा है, दोनों तरफ से गाड़ी आता है ना तो भीड़ लग जाता है। और इधर भी आपको कपड़ा वगैरह लेना होगा तो जा सकते हैं, और इधर विद्यापति मंदिर भी जाते हैं, इधर का भी रास्ता पड़ता है आप लोग जाने के लिए। समय आ रहे थे तो हम लोग सोचे यहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं, सब्जी वगैरह जैसे कि देखिए, और इधर का मार्केट पड़ता है घर, क्योंकि सर्दी जो है और खांसी बहुत तेज़ हो गया है बाइक चलाने से। अभी फाइनली घर पे आ गए, और इतना तेज बुखार, एकदम सर जो इतना दर्द हो रहा है, और आँख से ऐसा निकल रहा है पानी निकल रहा है, एकदम गरम गरम पानी है। रागनी देखिए दवा दे रही है, और क्या करते हैं आराम कर लेते हैं। तो दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, और सर जो बहुत ही भारी लग रहा है क्योंकि बुखार टाइप का लग रहा है, क्योंकि जो कोविड वाला वैक्सीन लिए थे हमारे पापा, और पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं देखिए। तो रागनी को बोले पापा को चाय बना कर दो, चाय जो बना करके दे रही है, मम्मी जो अभी गई है बकरी को चारा देने के लिए साइड में। नोटिस कर रहे हैं कि मम्मी जो अभी तक ब्लॉग में नहीं आए क्योंकि मम्मी का अभी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि जब से सुहानी का तबीयत बिगड़ा है रोज जो है किसी न किसी के घर में तबीयत खराब हो ही रहा है। रागनी चाय बना, तो अभी चाय पीते हैं हम लोग, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और देखिए इधर का कुछ ऐसा नज़ारा आपको दिखाते हैं घर में, और आपकी छोटी बहन यहाँ पे बैठी हुई है देखिए। हेलो बोलो, तबीयत कैसा है? चलिए इसका तबीयत ठीक है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और देखिए ऐसा कुछ नज़ारा, क्योंकि खुल के जो है गाइस हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे, इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है, तो कभी पेन हो रहा है, कभी जो है रीढ़ का प्रॉब्लम वाला बहुत सारी बातें होता है, लेकिन शरीर पे सह करके जो है काम करना पड़ता है आप लोग के लिए, ब्लॉग जो करना पड़ता है। देखिए तो मौसम कितना ज़्यादा सुहावना है देख लीजिए आप लोग। तो चलिए अभी चाय पीते हैं, उसके बाद जो हम लोग अभी आराम करेंगे क्योंकि पूरा सर जो है बिल्कुल भारी लग रहा है। तो गाइज ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ये ब्लॉग जो है जब सुहानी का तबीयत सही नहीं था, जब घर पे उनको लेके आए थे सुहानी को, सुहानी बाबू को, जब इलाज चल रहा था तब का ब्लॉग मैंने शूट किया था, तभी तबीयत वगैरह ख़राब था, अभी भी जो है थोड़ा बुखार उखार लगा क्योंकि कोविड वाला वैक्सीन लगवाए हैं। तो गाइज करना कि आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह फैमिली ब्लॉग को जो सपोर्ट करते हैं, राजा ब्लॉग को आगे बढ़ाते रहिए। और गाइज ये केला चुरा के खा गए घर में, बताइए हमारे लिए मम्मी रखी हुई थी इसलिए गाइज क्या बताया। तो गाइज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर बिहार समस्तीपुर से देख रहे हैं तो पूरा फुल सपोर्ट चाहिए, अदर स्टेट से देख रहे हैं तो पूरा का पूरा फुल सपोर्ट चाहिए। और दोनों को दोनों चुरा चुरा के कोई ना कोई चीज़ खाती है, इसका तबीयत सही नहीं है, इसको बार बार देखिए अभी भी खा रही है, बताइए क्या करें, एक के भाई है, कितना बार समझाए हम। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हमसे बात करना चाहते तो ये है इंस्टाग्राम का आईडी, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कीजिएगा। इसी तरह का फैमिली ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पापा को मॉल में घुमाया हो तो ज़रा कमेंट कीजिएगा। तो गाइज पापा को मॉल में इसलिए घुमाने ले गए थे क्योंकि गए थे बैंक, बैंक में पापा का पैसा निकालने, पैसा निकला नहीं। तो बस गाइज आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।